जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी आओ सब तो पहला गुरु फतेह नाल सांझ पाइए चुकाओ सीस ते बुलाओ फतेह आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आज जो मैं लेक्चर आप जी दे सामने पेश करन जा रही हां उसका विषय है खालसा पंथ दा बेड़ा घूमण केरी विच। जदों कोई बेड़ा जां बेड़ी किसे घूमण केरी विच फस जावे ता उस विचले सवारां दी जान नूं बाण आउंदी है क्योंकि बेड़े दी अपनी होंद ही खतरे विच हुंदी है। कुछ अजही दशा अज सिख पंथ दी है जिस दशा ने सिख पंथ दे हर हितैषी नूं चिंता दे डूंगे सागर विच गोते लुआने शुरू कर दिते हन। यह बहुत ही दुख दी गल है कि सिख पंथक आगू अपने निजी हितां नूं सामने रख के पंथ दी इज्जत आबरू आन शान ते इत्थों तक कि होंद नूं वी दांव ते ला रहे हन। अगे पंथक आगुआं दी सोच हुंदी सी पंथ जीवे मैं मरां पर अजोके आगुआं दी सोच इसे बिल्कुल उल्ट हो गई है। सियासी ताकत आर्थिक लाभ ते वोटां लई पंथ नूं चिट्टे दिन वेचा जा रहा है। अज पंथ बेड़े दे मलाहां नूं सुख आराम दे साधना दे लालच दे के कुराहे पाया जा रहा है। माया दी नींदे सवाया जा रहा है मदहोश कीता जा रहा है। अज सिख पंथ दे बेड़े नूं दुश्मनां दीआं पनडुब्बियां तो तां लगातार खतरा बनिया ही होया है पर सब तो वध चिंताजनक गल यह है कि दुश्मन साडा रूप धारण करके साडे बेड़े विच सवार हो चुके हन। उन्हां ने साडे अनेकां साथियां नूं साडे नालों तोड़ के अपने नाल जोड़ लिया है। असीं विपरवाद साधवाद ते देववाद दे जाल विच बुरी तरह फस चुके हां। इह लोक राजनीतिक सरप्रस्ती प्राप्त करके होर मारू शकल धारण करी जा रहे हन। सिख पंथ दे मुढले शब्द गुरु दी अगवाई नूं पिठ दे के साडे चोटी दे नेता देहधारी गुरुआं अगे मस्तक चुका रहे हन हवन यज्ञ करवा रहे हन मणियां ते मत्थे टेक रहे कि उत्थे श्री अखंड पाठ साहिब आदि करवा रहे हन। इह उन्हां लोकां दी दशा है जिन्हां ने दसम पातशाह दा संदेश दूजे लोकां तक पहुंचाउणा सी। दसम पातशाह दा संदेश है जागत जोत जपै निस बासर एक बिना मन नैक ना आने पूरन प्रेम प्रतीत सजे वर्त गोर मड़ी मट भूल ना माने तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना ने एक पछाने पूरन जोत जगै कटमे तब खालस ताहे नखालस चाने। गुरु साहिबान दा संदेश पंजाब भर विच ना पहुंचाए जान करके साधवाद पंजाब दे वड्डे शहरां तों लैके हरेक पिंड विच फैल चुका है। इस करके ब्राह्मणवादी सोच ते कर्म कांडा दा दैत सिक्खी नूं लगभग निगल चुका है। ओह कौम जिस दे मुढ़ले मैंबरां लई अमृत छकणा लाजमी सी अज धर्म निरपक्ष बन गई है। ओह कौम किवें तरक्की करेगी जिस दे मुढ़ले मैंबर हुण अमृत छकण तों मूंह मोड़ रहे हन। इस तरह दे वर्तारे कारण सिखां दी नवीं पीढ़ी बड़ी तेजी नाल सिक्खी सूप नूं तिलांजली देई जा रही है। पंजाबी दी इक अखबार विच मालवे ते कुछ स्कूलां दा सर्वेखण करके एक रिपोर्ट छापी गई है जिस अनुसार केवल 2% विद्यार्थी ही सिक्खी सरूप वाले हन। पतित पुणे दे नाल नाल पंजाब विच नशियां दा हड़ आया होया है। की नौजवान ते की बुजुर्ग सब इस हड़ विच रुड़दे जा रहे हन। नशा ने नौजवानां नूं इन्ने निताणे ते कमजोर कर दिता है कि फौज विच भर्ती करन लई जवान ही नहीं मिलदे। उदों बड़ी हैरानी ते दुख हुंदा है जदों अमृतधारी मापिआं दे बच्चिआं दे विआहां ते जनम दे मौके ते शराब पाणी दी तरह वरताई जांदी है। कई थाई बच्चे जां बच्चे दा पिता शराब दे पैग खुद वरताउंदा वेख्या गया है। सिख कौम दी कमजोरी जां आगूआं दी बदनीति करके सिरसे वाला गुरमीत राम रहीम सिंह नूर मैलिया आशुतोष ते पनिहारे वाला साध वर्गे कई अखौती साध अजे भी सिख पंथक विरोधी सरगर्मियों में जुटे हुए हैं। सिख धर्म ते सिख इतिहास बारे स्कूलों कॉलेजों में पुस्तकां अखबारां टीवी चैनलों फिल्मों ते रसालियों में अपमानजनक लिखतां लिखियां जां दिखाईयां जा रही हैं पर जिम्मेवार सज्जनां ते
इसका कोई असर नहीं पै रहा। कुछ पंथक आगू अगे आके पंथक बेड़े नू किनारे लाउण दी सोचदे हन पर उन्हां दी कोई नहीं सुनदा। 1984 विच सिख बहुत गिनती वालों के अत्याचारां दा शिकार होए। सियासी सरप्रस्ती नाल सिखां दा पूरे देश विच कतलेआम कीता गया पर सिखां नू अजे तक कोई न्याय नहीं मिलिया। सिखां दे कातल शरेआम घूम रहे हन, इलैक्शनां लड़दे हन ते मंत्री पदां नाल नवाजे जांदे हन। उन्हां नू सजा मिलण दी गल तां सोची भी नहीं जा सकती। दूजे पासे सरदार केहर सिंह वर्गे निर्दोष सिखां नू फांसी ते चढ़ाउण विच बड़ी तत्परता विखाई गई सी। गल सिर्फ 1984 दी नहीं, अज भी भाई बलवंत सिंह राजोआणा वर्गे निर्दोष सिखां नू फांसी ते चढ़ाउण लई कई यतन कीते जा रहे हन। बलवंत सिंह दे वांग ही हजारां नौजवान अजे भी जेलां विच बंद हन। दोषियां नू सजा दिवाउण लई ते निर्दोष नौजवानां नू जेलां विचों कढाउण लई कोई संघर्ष नहीं कीता जा रहा। पर हां, सियासी रोटियां सेकण लई सिखां नाल होईयां ते हो रहीयां ज्यादतियां दा जिक्र जरूर कीता जांदा है। जिन्हां मंगां नूं पूरियां करन लई धर्मयुद्ध वर्गे मोर्चे लगाए गए, ओह मंगां पूरी तरह भुला दित्तियां गईयां हन। कुछ पंथक आगू छोटे छोटे मसलियां ते आपस विच ही लड़दे रहिंदे हन। कदे गुरबाणी ते इतिहासक तथ्यां कारण एक दूसरे तों मूंह फेर के बैठे होए हन। इसे दुर्भावना नाल ही दसम ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शरीक दे तौर ते स्थापित कीता जा रहा है। आम कीर्ती सिख आर्थिक मंदहाली दे शिकार हन। गरीबी कारण बच्चियां दी पढ़ाई, बीमारियां तों इलाज ते उन्हां दे आनंद कार्ज करन विच मुश्किलां दा सामना कर रहे हन। करोड़ां नानक नाम लेवा लुबाणे अत दी गरीबी विच दिन कट रहे हन, पर सिख अपना पैसा गुरुद्वारियां विच संगमरमर सोना लवाउण ते कीर्तन जुलूस कढ़न विच लगा रहे हन। लंगर जो कि जात पात दे फर्क नूं मिटाउण लई चलाया गया सी, ओह वी कई थावां ते नीवियां जातियां दे लोकां लई वक्खरा बनाया जा रहा है। इस तरह सिखां विचों सिखी दी भावना अलोप हो रही है। हुण समें दी लोड़ है कि पंथ दर्दी हर तरह दे मतभेद भुला के मिल बैठण ते सिख पंथ दी होंद दी चढ़दी कला दे कम्मां विच जुट जाण। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा समाबद्ध प्रोग्राम बना के पहला पंजाब विच, फिर पूरे देश विच ते फिर विदेशां विच पहुंचाया जाना चाहिदा है। समाज विच फैले कले कलेश, अंधविश्वास, जात पात ते ना बराबरी नूं केवल गुरु दी बाणी ही खत्म कर सकदी है। अनमता दे लोक गुरु नगरां वल मल्लो मल्ली खिच्ची आउंदे हन। अजिहा सिखी वातावरण ही देश ते विदेश दे लोकां नूं सिखी वल प्रेरित करेगा। जदों इह लोक गुरु साहिबां ते पुरातन गुरसिखां दा जीवन दूजे लोकां सामणे रखणगे ते गुरबाणी दी व्याख्या करनगे तां दोस्तां वधेरे प्रभाव पवेगा। सिखां नूं अपने बाल बच्चियां विच सिखी दी गल करनी चाहीदी है अते उन्हां नूं गुरु उपदेश दृढ़ कराउणे चाहीदे हन। ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਆਲਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।